अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है आर्किटेक्ट प्लान को, कोई भी फुटिंग प्लान है, कोई भी आर्किटेक्ट प्लान है जो हमारे पास फिट और इंचिस के अंदर होता है, उसको हमने अपने कोऑर्डिनेट्स प्लान के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, उसको उसके स्केल को हमने कैसे चेंज करना है, उसके अंदर हमारे पास जो जो से डायमेंशंस आती हैं उसको हमने कैसे चेंज करना है, और उसके बाद हमने उसका कोऑर्डिनेटेड प्लान कैसे बनाना है जो कि हमारे पास साइड के ऊपर हम उसको लेआउट कर सकें। तो बहुत यूज़फुल वीडियो है, मेरी वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इसके अंदर पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊँगा कि आपने आर्किटेक्ट का जो प्लान होगा उसको आपने लोकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, पूरा तरीकाकार पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊँगा। तो आए शुरू करते हैं वीडियो को। तो किसी भी आर्किटेक्ट प्लान को कोऑर्डिनेटेड प्लान में बनाने के लिए दो तीन चीज़ें हमारे पास ज़रूरी होती है जिनके ऊपर कि हमने उसके अंदर कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये फुट्स में प्लान है, ये 12 फुट और 9 इंच का प्लान है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसीमल फिट के अंदर। तो इधर से मैं इसकी डायमेंशंस को इधर से मैं चेक करता हूँ, तो आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास 12 फिट और 9 इंच है। कोऑर्डिनेटेड प्लान बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस पूरे प्लान को हमें फिट्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा आर्किटेक्ट प्लान है, इसके अंदर हमारे पास डायमेंशन फुट और इंच के ऊपर हैं। तो ये इसकी डायमेंशंस को सबसे पहले हमने इसको फुट्स के ऊपर कन्वर्ट करना है। फुट्स के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए आपने सबसे पहले ब्लॉक इसको बना देना है, बी की कमांड लेनी है, कोई एक्स वाई जेड आपने दे के डायमेंशन, और इसको आपने इधर इसको पूरे को प्लान को अपना ब्लॉक की शक्ल में आपने बना देना है। ब्लॉक की शक्ल में बनाने के बाद आप इसको ओके कर दें, ये हमारे पास इधर ब्लॉक की शक्ल में इधर आ गया। तो अभी आपने इसके बाद डायमेंशन की कमांड लेनी है डी, आप ये डी शॉर्ट की लिखेंगे तो ये डायमेंशन स्टाइल आपके सामने आ जाएगा। इधर ये आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास डायमेंशन है, तो आपने इधर से न्यू के ऊपर आना है और इधर आपने अपनी डायमेंशन बना दी है, कोई भी नाम दे देना है। मैं तो से माई डायमेंशंस का नाम दे देता हूँ और इधर से इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, और इधर से इसके जो सबसे पहले प्राइमरी यूनिट्स में आप आ जाएं, इधर से ये आप ये लाइंस आ रहा है, ये प्राइमरी यूनिट्स, इसके अंदर आपने आने के बाद डेसीमल के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, और इधर से आपने डेसीमल के फिगर आपने एडजस्ट करना, और इधर से आपने टेक्स्ट के ऊपर आ जाना है। इधर ये आपने अपना टेक्स्ट वगैरह इधर से एडजस्ट कर देना है वैन वन, और इधर से आपने एरो साइज वगैरह अपना इसी तरीके से एडजस्ट कर लेना है, इसको आपने अपने प्लान के हिसाब से एडजस्ट करना है। इसके बाद आपने इसको ओके कर देना है, सेट करंट करके आपने क्लोज कर देना है। क्लोज करके आप इधर से आते हैं, और अब इधर से आप इसकी डायमेंशंस को हम इधर से चेक करते हैं, तो अभी आप ये देखेंगे कि हमारे पास इधर 30 फुट है। इधर से हम इसकी डायमेंशंस को चेक करते हैं, तो ये हमारे पास इधर आ रही है 360, हमारे पास इसकी डेसीमल के अंदर आ रही है। असूलन ये हमारे पास इधर 30 ही डायमेंशन इसकी आनी चाहिए, 30 फुट लिखा हुआ है, तो ये 30, तो ये हमारे पास आर्किटेक्ट की कमांड में लिखा हुआ है, और ये इधर हमारे पास डेसीमल का हमने न्यू डायमेंशन स्टाइल बनाया तो उसके अंदर आ रहा है। तो अभी आपने कैलकुलेटर को अपना ओपन कर लेना है इधर इसी तरीके से, और इधर आपने 360 डिवाइडेड बाई 30 कर लेना है, ये जो डायमेंशन आ रही है आपकी। तो आप ये देखेंगे ये 12 का स्केल है हमारे पास, तो आपने इसी तरीके से 30 डिवाइडेड बाई आप 360 आप इधर से करेंगे, तो ये हमारे पास जो स्केल आएगा ये 0.0833 का आ जाएगा। मतलब ये कि आप ये देखते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई आप 12 करते हैं, एक फिट के एक इंच के अंदर अगर हमारे एक फिट के अंदर हमारे पास 12 इंचेस हैं, तो ये हमारे पास 0.0833 आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास स्केल को हम चेंज करेंगे इधर से 0.0833 के ऊपर, तो ये आप कैसे करेंगे, तो 30 डिवाइडेड बाई आप 360 करेंगे, तो ये आपके सामने उसका स्केल इधर आ जाएगा, जिस स्केल के ऊपर भी आपकी ड्राइंग बनी होगी। तो ये 0.0833 हमारे पास इसका स्केल है। तो अभी हमने इसको डेसीमल के अंदर जब कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमने इस पूरे प्लान को कन्वर्ट करना है स्केल की मदद से 0.0833 के ऊपर। तो आपने एस सी की कमांड ले लेनी है स्केल, ये स्केल की कमांड आपके पास आ जाएगी। आपने ये पूरा ब्लॉक आपने बनाया हुआ है, आपने इसको इधर से सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, और इधर आपने 0.08333 आपने लिख के इंटर कर देना। आप इंटर करेंगे तो ये देखेंगे ये प्लान हमारे पास बिल्कुल छोटा हो गया है। तो इधर ये हमारे पास पहले डायमेंशन आ रही है 360 की, तो ये अभी आप डायमेंशन को उसको चेक करते हैं इधर से, तो ये आप ये देखेंगे हमारी डायमेंशन उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। तो आप ये देखेंगे ये 29.999 हमारे पास आ गई है, तो ये हमारे पास जो स्केल था ये हमारा फिट्स के अंदर पूरी ड्राइंग हमारी कन्वर्ट हो गई है। तो सबसे पहले आपने अपनी ड्राइंग को उसके कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए उसको आपने फिट्स के अंदर कन्वर्ट करना है, और उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट्स हमने बनाने। तो आपने इसी तरीके से सबसे पहले उसका डायमेंशन स्टाइल अपना चेंज करना है, अपना नाम दे देना है, और उसके बाद आपने उधर से स्केल की कमांड लेके, और जो भी स्केल आपका लगा होगा उसके हिसाब से आपने उसको उधर से चेंज करके डेसीमल के अंदर आपने ले आना है। तो ये हमारे पास इसकी इसी तरीके से आपने इसको प्लान को इधर बना लेना है अपना। उसके बाद आपने इधर से ये ब्लॉक जो बनाया था उसको आपने इधर से एक्सप्लोड कर देना है।
एक्स की कमांड लेनी है और ये खत्म कर देना। तो अभी आप देखेंगे हमारे पास जो डायमेंशन है ये बहुत बड़ी आ गई है। इन डायमेंशन को आपने कैसे सेट करना है, हमारे पास ये छोटी डायमेंशन जो हमने अपनी बनाई थी ये हमारे सामने इधर नजर आ रही है। तो आपने इधर से एल ए वाई आई एस ओ की कमांड लेनी है, एल ए वाई आई एस ओ की कमांड इधर कमांड बार में आपको नजर आ रही है, आपने इधर से इंटर करना है और ये जो डायमेंशन हमारे पास आ रही है इसको आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करके एंटर करेंगे तो ये आप देखेंगे हमारे पास ये डायमेंशन इधर से ओपन रह गई हैं और बाकी डायमेंशन सारी हमारे पास इधर ख़त्म हो गई हैं। तो आपने इधर से एक डायमेंशन इधर अपनी लगा देनी है इधर इस जगह के ऊपर। ये आपने कोई भी डायमेंशन जो हमने उधर स्केल के ऊपर बनाया था तो आपने एक डायमेंशन को इधर लगा देना। उसके बाद आपने मैच प्रॉपर्टी एम ए की कमांड लेनी है इधर से और इस प्रॉपर्टी को आपने सेलेक्ट करना है और इधर से कंप्लीट आपने इधर से जो आपके पास डायमेंशंस आ रही है सबको आपने सेलेक्ट कर लेना। आप सेलेक्ट करेंगे तो सारी डायमेंशंस आपकी फिट्स के अंदर इधर कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपने राइट क्लिक करके इंटर कर देना है और ये जो डायमेंशंस आपने लगाई थी इसको आपने ख़त्म कर देना। ये डायमेंशंस कौन सी थी, ये हमारी डायमेंशंस माई डायमेंशंस के ऊपर हमने न्यू डायमेंशंस बनाई थी। आपने इसी तरीके से ये डायमेंशन इसके अंदर आके अपनी बना देनी है और उसके बाद आप इसको बना सकते हैं। तो आपने ये देख रहे हैं इस तरह बनाने के बाद ये सारी डायमेंशंस हमारी इधर फिट्स के अंदर आ गई है। उसके बाद आपने एल ए वाई अन आई एस ओ दोबारा कमांड लेनी है और पूरी अपने ड्राइंग को आपने ओपन कर लेना है और उसके बाद आपने अपनी ड्राइंग को इधर से सेव कर लेना। तो ये ड्राइंग आपकी सेव हो जाएगी। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास ये ड्राइंग हमारी फिट्स के अंदर कन्वर्ट हो गई है। इधर से आपने गैर ज़रूरी जो लेंस वगैरह लगी हुई थी उनको आपने ख़त्म कर लेना है और ख़त्म करने के बाद आपने अपने इस प्लान को कोऑर्डिनेटेड प्लान को अगर आपके पास टॉपोग्राफिकल मैप मौजूद है तो आपने उसके हिसाब से लगा देना है, नहीं है तो आपने इसके नए कोऑर्डिनेट्स को बना देने हैं। आप कोई भी कोऑर्डिनेट्स इसके बना सकते हैं। बनाने के बाद आप इसका कोऑर्डिनेटेड प्लान साइट के ऊपर इशू करेंगे तो वो कोऑर्डिनेटेड प्लान आपने कैसे बनाना है उसके लिए आप कोई भी कोऑर्डिनेट्स लोकल कोऑर्डिनेट्स आप बना सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी के कोऑर्डिनेट। जिस तरीके से कि मैं सपोज है आपको कहता हूँ कि अगर मैं इसको पूरे को कंट्रोल ए का सिलेक्ट करता हूँ और इधर से मूव की कमांड ले लेता हूँ। मूव की कमांड लेने के बाद ये हमारे पास सी वन पहला कालम आ रहा है और ये इसकी सेंटर लाइन आ रही है। तो इधर से सेंटर लाइन लेने के बाद आपने इधर से 3555.00 हमारे पास स्ट्रिंग और कॉमा 10555.250 हमारे पास इसकी नॉर्थिंग है। तो ये आपको ये कोऑर्डिनेट इधर से रिज्यूम करके और इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आप इसको मूव करा दें तो ये आपका प्लान उधर मूव हो जाएगा। ये हमारे पास जो भी कोऑर्डिनेट अभी आप बनाएंगे इसके हिसाब से आपके बनते जाएंगे। तो उसके बाद आप इधर लेयर्स के ऊपर आ जाएं, इधर से आपने लेयर को क्लिक करके और इधर अपनी न्यू लेयर बना देनी है आपने कोऑर्डिनेट्स की। आप लेयर बना दें, इसका कलर वगैरह आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं उसको बड़ा करके और इधर से आप इसका कलर्स वगैरह जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप इधर से उसको सिलेक्ट करके और उसको आप लेयर्स को बना दें और इधर से आपने ये कोऑर्डिनेट्स की जो हमने लेयर बनाई है इसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आपने अपने ये कॉलम्स जो आपका फुटिंग का प्लान है कोई भी लिप्स कमांड जो कि आपके पास पड़ी हो आपने उसको अपलोड करके उधर से उनके कोऑर्डिनेट्स को इधर इसी तरीके से जो जो से भी आपके ग्रेड्स जा रहे हैं उसके ऊपर आप इनको लगा सकते हैं और इसके कोऑर्डिनेटेड प्लान पूरा आप बना सकते हैं। तो आपने ये इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि आप आर्किटेक्ट का जो भी प्लान होएगा उसको आपने कैसे कन्वर्ट करना है अपने डेसिमल प्लान के अंदर और कोऑर्डिनेटेड प्लान बनाने के लिए और उसके बाद आपने इनके कोऑर्डिनेट्स वगैरह को किस तरीके से लगा सकते हैं। तो आप ये प्लान को इसी तरीके से बना के और अपने लोकल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर उसको बना सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसी तरीके से जिस तरीके से जो जो से भी कोऑर्डिनेट्स वगैरह आप इनका बनाना चाहते हैं। बहुत ही आसानी के साथ सिंपल तरीकाकार है। अगर आप लैंड सर्वेयर हैं तो आपने अपने जो भी आर्किटेक्ट प्लान है ज़ाहिर बात है सर्वेयर अपना सारा काम कोऑर्डिनेट के हिसाब से करता है ताकि ये चीज़ हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट आए। तो ये आपने इसका कोऑर्डिनेटेड प्लान जो होगा वो आपने आर्किटेक्ट प्लान के ऊपर से इसी तरीके से इसका कोऑर्डिनेटेड प्लान आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। आप बनाने के बाद आपने जब लेआउट करनी है मौके के ऊपर जाके तो कोई दो पॉइंट आप लगा दें मैनुअल ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के और इनको रीसेक्शन करके और अपने इन पूरे कोऑर्डिनेटेड प्लान के हिसाब से आप अपनी लेआउट कर सकते हैं। तो ये पूरा एक प्लान बनाने का तरीकाकार यही है कि आपने कोई भी आर्किटेक्ट आपके पास अगर प्लान बना हुआ है तो आपने सबसे पहले उसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए उसके स्केल का कमांड मैंने आपको बताई है कि आपने कैसे उसका स्केल लगाना है, उसकी डायमेंशन को आपने चेंज कर लेना है। चेंज करने के बाद कोई भी
पॉइंट ही हमने स्टार्ट में इसको मूव कराया था, कोई भी ईस्टिंग नॉर्थिंग जो भी पॉइंट आप यूज समझते हैं कि आप देना चाहते हैं वो पॉइंट आप इधर से उसको दे सकते हैं, और देने के बाद आप इसको मूव कराने के बाद सारे कोऑर्डिनेट्स आप अपने इसके ऊपर लगा दें। लगाने के बाद आपने इधर से कॉलम जब आप लेआउट करते हैं तो आपने कोई भी पॉइंट आपके पास बिल्डिंग की या कोई प्लाजा आपके पास होता है तो उसकी पूरे डेमार्केशन आपके पास हुई भी होती है, तो आपने फर्स्ट कॉलम का पॉइंट और आखिरी कॉलम कोई भी दो पॉइंट्स आप लगा के उधर मैनुअल उनका डिस्टेंस आप टोर्च स्टेशन के साथ चेक करके 0-0 कर लें, और 0-0 करने के बाद आप उनके ये जो कोऑर्डिनेट्स आपने बनाए हैं इन कोऑर्डिनेट्स को आप रिसेक्शन के जरिए आप इसको ऊपर बना सकते हैं और अपने पॉइंट को उसके बाद शिफ्ट कर सकते हैं उनके ऊपर। ये आप इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट प्लान बनाएंगे, बहुत ईजी और यूज़फुल तरीका मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, आपने इसको इसी तरीके से बनाना है। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो आपने देखा कि हमने कैसे अपने आर्किटेक्ट प्लान को अपने क्वार बनाया, आप भी इसी तरीके से कंप्लीट अपने जो भी प्लान है उसको कोऑर्डिनेटेड लोकल प्लान के ऊपर बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। आपने उसके स्केल कमांड को चेंज करना है और उसकी डायमेंशंस वगैरह को चेंज करके आप इसके लोकल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर अपना प्लान बना सकते हैं। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अल्लाह हाफिज़।